बिस्मिल्लाह रहमान रहीम द ग्रेट व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बेस्ट विशेस टू होल वर्ल्ड। द ग्रेट व्यूअर्स, सारी दुनिया में हम सारा दिन अपने रिज़्क़ के तलाश में रहते हैं। मैं भाग रहा हूं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बाप भाग रहा है, माँ भाग रही है, किसके पीछे? रोटी के चक्कर में, पेट का चक्कर है। लेकिन आज जहां इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस नोबल मिशन में हम हाजिर खिदमत हुए हैं और दुनिया को ये बता दें कि मदर टीसा थी, ईदी साहब थे, बड़े नाम थे, दुनिया में बड़े नाम थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो मालिक कायनात ने अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वदियत कर दिया, वो दुनिया के कमाल मसीहा थे। उनके आगे वो रहमतुल मुसलमीन नहीं थे, रहमतुल आलमीन थे, और वो मुसलमानों का ही ख्याल ही रखते थे। कभी वो यहूदी बच्चे के घर जाते थे, कभी माजूर के घर जाते थे, कभी बेवा के घर जाते थे, यतीम बच्चों के घर जाते थे, और उनके आगे कुछ नहीं था। वो साये रहमत थे, अब्रे रहमत थे। और फिर इसी तरह इस कायनात को चलाने के लिए परवरदिगार ने अपने बंदे छोड़ दिए, अपने ऐसे ऐसे नेक बंदे जो अरबपति थे, खरबपति थे, लेकिन दरवेश हो गए। उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना खिदमत खल्क कर दिया। खिदमत खल्क में भी कई वारदात ये आ गए, लूट मार शुरू कर दी। लेकिन आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, और आप हैरान होंगे, यू वुड बी एस्टोनिश्ड टू नो कि मैं डीएचए में गया तो अपने दोस्त के हुक्म पे, करम मुशर्रफ साहब का बेहद ममनून हूं, उनको मिलने गया। उनका ऑर्डर था कि दो दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, और वहां फिर एक दो ऐसे फरिश्ते मिले। मैं कोई तारीफों के पुल नहीं बांध रहा, मैं पूरी दुनिया में, ये उसका कर्म है मेरे ऊपर, रब्बे कायनात का बड़ा कर्म है कि मैं इतना, मैंने अपने कॉलमों में लिखा 0/0/0, और मालिक ने खामखा हीरो बना दिया, ये उसका बड़ा कर्म है। कॉलमिस्ट हूं, एनलिस्ट हूं, टेलीविजन करता हूं, लेकिन मैं ढूंढता हूं वो हीरे जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी औलाद को भूल गए, और मासूम बच्चे जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर परवरदिगार ने ऐसे पुर्जे फिट कर दिए, वो इंटेलेक्चुअल है। तो आज हम मदऊ क्या है, उन्होंने हुक्म किया, पुकारा जब चले आए, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमारी मुलाकात डीएचए के ऑफिस में, जनाब कर्नल मुशर्रफ साहब के ऑफिस में, जो दिन जिन दो कमाल मोहसिन दोस्तों के साथ, जो मोहसिन इंसानियत है, उनके साथ मुलाकात क्या हुई, हम उनके गर्विदा हो गए, और फिर उन्होंने हुक्म किया, हम चले आए। जनाब मोहतरम मेजर वसीम साहब और जनाब कर्नल साहब, मैं माफी चाहता हूँ, कर्नल साहब अपना तारफ खुद करवाएंगे। अब वो कहते हैं ना मुझे ब्रिगेडियर कहें, ना मुझे कर्नल कहें, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, एक शमा लेके चल निकला हूँ, और अल्लाह उसमें बरकत देगा। आज मेरे साथ ये जो ग्लोबल रिहैब सेंटर है, जिसमें मैं मुनासिब नहीं समझता कि हम क्या करते हैं, वो बच्चे फील करते हैं, वो लोग फील करते हैं, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी है। लिहाजा हमारे साथ इस वक्त ग्लोबल रिहैब सेंटर, और जिसको चार चांद लगा रहे हैं ड्रीमर के सेटअप, और ड्रीमर की ये जो टीम है, जिन्होंने ये वेन्यू दिया है, जो उन्होंने सब कुछ इसके हवाले कर दिया है, और इस खिदमत के पीछे उन्होंने तमाम बोट्स बर्न कर दी हैं। अल्लाह उनके इस मिशन में बरकत दे। बेगम साहब मौजूद हैं हमारे साथ, बेगम वसीम हमारे साथ हैं, वो चेयरपर्सन हैं, और ये सारी टीम है, ये एक बुके है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बेगम वसीम साहिबा से, जो चेयरपर्सन है, उनसे हम पूछते हैं, इतना औखा काम, एक आर्मी ऑफिसर की बीवी, दाएं बाएं मुलाजम, आगे पीछे जवान, सब कुछ छोड़ दिया, और ओढ़ना बिछोना ये क्यों इंतखाब किया, ये तो बड़ा औखा काम है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक फरिश्ता सीरत खातून, हमारी भाभी, निहायत काबिल एहतराम बेगम वसीम साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र। जरा जोर से कड़कदार आवाज, जिस तरह आप घर में अटेंशन करवाती हैं। बेगम साहबा, जरा अपना खुद तारफ करवाइए कि आप एक फौजी अफसर की बेगम, घर आपके इर्द गिर्द तमाम सहूलियात, और ये जो आपने सारा ये एक न्यायी जिंदगी, नई जिंदगी शुरू कर दी, इसके पीछे क्या राज है, और क्या मुश्किलात हैं, और किन वजूहात की बिना पे आपने ये शुरू किया, कौन से आपकी फैमिली मेंबर हैं जिनसे आप
इंस्पायर हुई और आगे क्या करने जा रही हैं, इसमें मुश्किलात हैं, आप इसमें इसको कूप अप कर लेंगी? जी चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप जरा जोर से बोले प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनुसूत वसीम हूँ और ये नोबल कॉज जो है हमारा ग्लोबल भी है, इसके लिए आज हमने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया है। और जो सवाल आपने पूछा उसके मुतालिक मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने बेटे को इस प्रॉब्लम में शिकार था ऑटिज्म का, जिसके लिए हमने फ्रॉम दी बिगनिंग बहुत स्ट्रगल की और देखा कि पेरेंट्स कितने ज्यादा इस मुश्किल को फील करते हैं जब उनके अपने किसी प्यारे को ये तकलीफ होती है। जी बेशक। वो जगह जगह जाते हैं और जब हमारी मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई हमने फील किया कि जितने दर्दमंद ये हैं, हमने इनके साथ कोलैबोरेशन की और इनको हमने ये फ्री ऑफर दी कि आप हमारी जगह पे आए ड्रीमर्स में। माशाल्लाह, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज हर सहूलत प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाएं ड्रग एडिक्शन बच्चों के लिए और ऑटिज्म के बच्चों के लिए भी काम करें। और बाकी डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, वो आए अपनी टीम के साथ और यहाँ पे उन्होंने ये सारा वेन्यू सब तैयार किया और अपना। बेगम साहबा ने देखिए जी कहते हैं कि जब पांव चलते हैं अपने तकलीफ होती है, जब अपने सर में दर्द होता है, अपने दिल को कुछ होता है तो फिर इंसान बाहर निकलता है, टटोलता है कहीं। मैं एक बहुत खूबसूरत मदीना शरीफ से आ रहा था, मैं सरेरा इसका जिक्र कर दूं कि मदीना शरीफ से आ रहे थे तो ड्राइवर ने जो वहां से रोजा रसूल से निकले तो जद्दा आने के लिए ड्राइवर ने गाने लगाए हुए थे, तो किसी ने कहा कि यार गाने बंद करो, तो वो जो कुरान पाक की सूरत थी कमाल तर्जमा था उसका कि हमने पूरी बस्ती अंधी नहीं कर दी, हमने उस बस्ती में एक अंधा छोड़ दिया है, नबीना छोड़ दिया है, सारी बस्ती को हमने माजूर नहीं कर दिया, एक माजूर कर दिया है। और वहां जो उनका तर्जमा कर रहे थे कुरान पाक का वो अगवा हो गए थे, उन्होंने कहा कि मैं और चार दोस्त अगर बैठे हों और खुदा ना खास्ता आंखें मेरी आंखें चली जाएं, वो जो तफसीर कर रहे थे जो कुरान का तर्जमा कर रहे थे उन्होंने कहा कि अगर मेरी आंखें चली जाएं वो लम्हात मेरे ऊपर क्या गुजरेंगे। और फिर वहीं से बैठे हुए उसी वो जो चार पांच दोस्त बैठे उनमें से कोई मेरे ऊपर तरस खा के एक आंख दे दे तो मैं ता हयात उसका ममनून होगा, तो जिसने दो आंखें दी हैं हम उसके शुक्रगुजार नहीं हैं। अभी आजकल कोरोना 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 हो रहा है, हर शख्स भाग रहा है दवाई के लिए और हर शख्स भाग रहा है ऑक्सीजन के लिए, यानी ऑक्सीजन अगर एक दिन लग गई तो सारे घर का बजट गया। और जिसने हमें सारी उम्र के लिए पैदा होते ही सांस दे दिए हमने उसका हम उसका शुक्र नहीं अदा करते। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ रहिए, गो हैव अ नाइस कप ऑफ टी एंजॉय एंड स्माइल, और ये बच्चे हमारे साथ खेलेंगे कूदेंगे और मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा बनेंगे। वी आर जस्ट कमिंग बैक। द ग्रेट व्यूअर्स वेलकम बैक। लगता है आपने एंजॉय कर लिया वक्फा, चाय पी, गॉस्पिंग की, चैट की, तो वंडरफुल सब वंडरफुल डे इन माई लाइफ इन आवर लाइफ। बड़े प्रोग्राम किए, कभी बड़े इतराए हम के चीफ जस्टिस साहब बन चुका रहे, कभी इतराए कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन का किया। आज इस कदर खुशी है कि ऐसे बड़े वलवला अंगेज वालदैन को हम मिल रहे हैं जिनके बच्चे जो है वो ऑटिज्म का शिकार है, और उनको लुक आफ्टर करने के लिए हमारी एक बहुत बड़ी बड़ी थिंक टैंकों की टीम हमारे साथ मौजूद है। आई एम लकी वन to have in my this program honorable colonel sayed anwar sayed sahab, wo psf ke senior vice president hai of psf kya hai aur phir wo is mission mein step in kaise hue, unko wo kaun sa jazba tha, kaun sa wo unko khayal aaya, kis takhayul ke tahat, kis mission ke tahat unhone apna sab kuch इस प्रोग्राम में वक्त कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपका नहायत मशकूर हूँ जी सर, जज़ाकल्लाह सर, मुझे ये मौका दिया कि मैं ये बयान कर सकूँ। मेरा नाम कर्नल सैयद अनवर सईद है जी सर, और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ
पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तमाम इस पर मुश्तमिल है। बेसिकली हमारी इस तंजीम का मकसद ही ये है कि हम लोगों की खिदमत करें। पहले तो हमारा सिर्फ ये था एक्स सर्विस मैन की हद तक, ठीक है, मगर इस दौरान मुझे एक बड़ा फरिश्ता सिफ्त इंसान मेजर वसीम साहब मैं माशाल्लाह जरूर पसंद करूंगा वो मुझे मिले, क्योंकि मैं पहले से एक काम कर रहा था जो कि कोरोना पेशेंट्स का मैं फ्री ट्रीटमेंट करता था। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के फजल से मुझे बड़ी उसमें लोगों ने सपोर्ट भी किया, लोग मेरे साथ आके मिले, तो ये एक जज्बा मेरे अंदर था। तो मुझे मेजर वसीम साहब ने कहा कि ये ग्लोबल रिहैब सेंटर फॉर ड्रग एडिक्शन और ऑटिज्म है, स्पेशल किड्स, जी हाँ, तो इनके लिए हम एक सेमिनार करना चाहते हैं। तो मैंने कहा माशाल्लाह ये तो मैं तो मौके की तलाश में हूँ कि जो भी कोई काम खुदा की राह में किया जाए तो उसके लिए तो हम भाग के जाने के लिए तैयार हैं माशाल्लाह। और बेसिकली इसमें ना कोई हमारा पॉलिटिकल मकसद है, ना हमारी कोई इसमें सियासत है, सिर्फ और सिर्फ रजाए अल्लाह की, ना कोई फाइनेंशियल गेन है, ना हमारी कोई सोच है कि हमें कोई इससे माली फायदा एक्सपेक्टेशन है। हम ये कहते हैं कि हम अपने पास से जो कोई दे सकते हैं वो दें, और लोगों के बच्चों पे, लोगों के उन लोग जो इस माशरे में अपना ना इलाज करा सकते हैं, ना अपनी देखभाल कर सकते हैं, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो हम जो है उनको अच्छे तरीके से बगैर ये एहसास दिलाए कि वो उनका कोई नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम उनकी खिदमत कर सकें। बल्कि मैं तो ये जो टीम है इसका मशकूर हूं कि इन्होंने हमें एक मौका फराहम किया कि हम कुछ नेकी कर सकें, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ये हमें मौका ना देते तो शायद हमें इसका सवाब ना मिलता, तो मैं इनका मशकूर हूं। और मकसद इसका यही है जैसे आपने भी फरमाया कि हम लोगों की इंसानियत की खिदमत कैसे कर सकें और किस शक्ल में कर सकें ना, और अल्लाह हमारा उससे राजी हो जाए। तो कल साहब अब आप जो मेजर वसीम साहब ने और डॉक्टर साहब ने ये सारी टीम ने आपको ये सारा इसका सिलसिला बताया ग्लोबल रिहैब का और ड्रीमर्स की सारी ये जो जितनी टीम है इन्होंने जो आपको मिशन बताया है उसमें आपने जो टाइम देना है इतना टाइम आपके पास होगा क्योंकि आप ऑलरेडी एंगेज हैं इस ये जो मूजी वबा आई हुई है कोरोना इसमें भी आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या वुड यू बी एबल टू अफोर्ड प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू दिस सर्विस? जी, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। मकसद ये है कि ये मेरा तो ये मिशन है कि कोई भी काम जो अल्लाह की रजा के लिए जिसमें हम इंसानियत की खिदमत कर सकें मुझे मौका मिले तो मैं भाग के उस तरफ जाता हूँ। माशाल्लाह। मुझे जरूरत नहीं है रात को सोने की, मुझे जरूरत नहीं है दिन को आराम करने की। अगर मैंने इन लोगों को आराम दे दिया, इन लोगों को आराम आ गया जो इंसानियत की खिदमत हो गई, इनको सुख हो गया और इनको सुख हो गया तो मेरा ख्याल है मेरा सुख ही सुख है, मेरा जीवन जो है वो सही हो गया माशाल्लाह। मेरे पास कोई टाइम की कमी नहीं है, मैं 8-8 10 दिन हम फौजी आदमी है, हमें ट्रेनिंग है, हम 10-10 दिन जाग भी सकते हैं, 10-10 दिन वॉक भी कर सकते हैं, और हम कई कई दिन जो है भूखे भी रह सकते हैं, मगर यह है कि ये जो जज्बा है इसके लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। साहब आपको एक गुजारिश करूंगा, उम्मीद है आप महसूस नहीं करेंगे, ये मतलब प्रॉपर्टी डीलरी DHA मैनी अदर सोसाइटी इसको छोड़ के क्या मैं तवक्को कर सकता हूं कि एक कर्नल कल इन ये जो बच्चे हैं जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते और जो वालदेन के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बन रहे हैं, ये मुमकिनात में से होगा कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स को छोड़ के सारा कुछ छोड़ के आप ये पुल ऑन कर लेंगे? देखिए, मुझे पहली बात तो ये है कि मैं कोई और काम ना कर रहा हूं और ना करना चाहता हूं सिवाय ऐसे कामों के जिसमें एक आम आदमी गरीब आदमी की मैं खिदमत कर सकूं। मेरा सारा टाइम जो है ना वो सिर्फ इसी मकसद के लिए है
मैं कोई और काम नहीं करना चाहता, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने मेरे पे बहुत रहम किया हुआ है और मेरे पास इतने मसाइल हैं कि मैं इंशाल्लाह जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसमें से खर्च करके इनकी खिदमत। सैयद साहब ये बताइए कि आपको तो हफ्ता 10 दिन पहले हमारी मुलाकात DHA में हुई थी, हमारे दोस्त हैं आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त हैं द ग्रेट मैन करम मुशर्रफ साहब, उनका डेरा भी दरवेशों वाला चलता है। आपको जहां आप जाते हैं जब आप ये जिक्र करते हैं, ये बताते हैं कि मैं हूं एक काम शुरू करता है, तो आगे से रिस्पॉन्स कैसा है? लोग बहुत खुश होते हैं और मेरा ख्याल है शेयर करने के लिए तैयार है, साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने जब कोरोना के लोगों के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया तो उस वक्त तो बहुत खर्चा होता था जी जी, और उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस पे हमको भी अलहदा प्रोग्राम। और जरा उसमें भी बताइए कि कितने जालिम लोग हैं, हर बात को कमर्शियल है, मरना भूल गया है, मौत भूल गई है, और आपने लाखों रुपए की दवाई सुने हजारों सैकड़ों में जाके कहीं से ढूंढ निकाली और लोगों की खिदमत शुरू कर दी। जी बिल्कुल, ये जरा बताइए ये दवाई जो थी एक्टेमरा एक इंजेक्शन था जो कि कोरोना पेशेंट्स को लगता था, जो इस तरह गैप कर दिया जिस तरह शुगर मार्केट में चीनी गैप कर दी, आटा गैप कर दिया, सरफ गैप कर दिया, पेट्रोल गैप कर दिया और आपने डिग आउट कर दिया। जी बिल्कुल, और वो माशाल्लाह कोई इंजेक्शन 7 लाख में एक देता था, कोई 10 लाख मांगता था, कोई 5 लाख मांगता था। मैंने खुद अपने बेटे के लिए खरीदा 3.5 लाख में एक इंजेक्शन, 4 चाहिए थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे में इस्तात ही मैंने खरीद लिया और उसी दिन मैंने ये अहद कर लिया आज से कि या अल्लाह मैं इसके बाद ये अपनी सारी दौलत जो है ना ये मेरे किसी काम की नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता मेरा बेटा ना बचता तो मुझे उस दौलत का क्या फायदा था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे देन में। सर ये आखिरी बात बता दीजिए कि आपने जब आपके घर में ये तूफान आ गया, बेगम साहबा का जिक्र तो इस वक्त नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत पे जगह दे, फिर किसी वक्त उनके ऊपर उस फरिश्ता सीरत खातून के ऊपर बात करेंगे आपके श्री के हाथ पे, लेकिन उसके बाद एक और आपके ऊपर न्यूक्लियर गिरा कि आपका लख्ते जिगर इसका शिकार हुआ और उसके बाद अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदगी दे दी, एम आई राइट सर? और देन फिर आपके आंसू नहीं रुकते थे कि मालिक तू 2 मिनट में सबको छीन सकता है और अगले लम्हे सारा कुछ वापस दे सकता है, फिर आपने ये कहा कि छठ दुनिया नो बंदिया इस काम में लग जा, इज इट राइट सर? जी बिल्कुल ठीक है। मैं 2 रातें जो जब वो मेरा बेटा बिल्कुल आखिरी, मुझे ये पता चला कि अब ये नहीं बच सकेगा, तो मैंने आखिरी वो 2 रातें मुझे याद है, मैं सारी रात किस कर्म में गुजारा, रोता रहा और मैं सजदे में पड़ा रहा और अल्लाह से ये दुआ करता रहा या अल्लाह मेरा बेटा मुझे वापस दे दो, मैं इसके बाद इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया की कोई चीज अब अच्छी नहीं लगती, मुझे कोई बड़ी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे कोई बड़ी महंगी घड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे कोई चीज स्वयं 2 रोटी या 1 रोटी खाने के मुझे और कोई ऐसी जरूरत नहीं है। और ये अब मिशन है और आप हैं और हम हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मेरा मिशन है कि मुझे आज मैं इस फोरम पे हूँ जहाँ पे ये रिहैब सेंटर ग्लोबल जो उनके पास आया हूँ और डीमर स्कीम है, मुझे कोई भी कहीं सी जगह कहेगा कि भाई आओ हमने इंसानियत की खिदमत करनी है अल्लाह के वास्ते, तो मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं अपना तन मन धन अपनी सारी दौलत इस काम पे लगाने को तैयार हूँ, क्योंकि जब इंसान ने इस दुनिया से जाना है तो खाली आप जाना है, तो इससे बेहतर है कि आप जाने से पहले नेकी कमा लें। और मेरे साथ बहुत लोग जो है वो ज्वाइन करने को तैयार है, इतना इसमें लोग खुश होते हैं कि खुद ब खुद वो अपने आप को कहते हैं कि सर हमें भी शामिल कर लें। तो मैंने उनको बताया कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलें, दुआ करें आप हमारे साथ चलें। और अल्लाह का शुक्र है मैंने नहीं देखा कि किसी आदमी ने, चाहे वो बहुत बड़ा था या छोटा था, उसने अप्रिशिएट ही किया और उसने कहा जी बिल्कुल मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया और मैं सबसे ज्यादा मशकूर हूं इस फोरम का जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं कोई नेकी कर सकूं, वरना अगर ये मुझे मौका ना देते तो ये नेकी से मैं रह जाता। मेरा ख्याल है सर अगर ये इस बात को इस तरह ले लिया जाए कि रब्बे कायनात ने आपको मिलाया इस टीम के साथ, ये उसका कर्म है कि आप इन दोस्तों की टीम में शामिल हो गए। जी बिल्कुल, ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे से कोई काम लेना है
तो अल्लाह ताला ने वो मुझे इन लोगों से मिला दिया और मैं इनका नायब मशकूर हूँ और आपका भी मशकूर हूँ कि आपने इतना अपना वक्त निकाला है और आप तशरीफ लाए हैं और आप इस काज को आप ये देखें, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी जो अल्लाह ताला जो लोगों की खिदमत करता है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया उनके नियत होती वो खुद सबब पैदा करता है, तो वो अल्लाह ताला का जो काम में हिस्सा बटाता है अल्लाह ताला उसकी खुद ब खुद मदद करता है। मुझे तो कोई रुकावट नहीं आई, मुझे कोई पैसे में कमी नहीं आई, अल्लाह ने उससे ज्यादा मुझे दे दिया तो अल्लाह का शुक्र है। मुझे ना कोई मैंने कोई अपना बिजनेस करना है, ना मैंने कोई काम करना है, मैंने अपना सिर्फ काम यही करना है कि मैं ये लोगों की खिदमत कर सकूं। ये आप अबू बिन अदम की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। द ग्रेट व्यूअर्स, ऑनरेबल कर्नल सैयद साहब शाह साहब, परवरदिगार उन्हें जजा दे और हिम्मत दे कि वो अपनी सारी तवायाएं जो है इस मिशन में लगाने के लिए हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हमारी ये सारी टीम इंशाल्लाह अज़ीज करिया करिया गली गली महल्ला महल्ला, और ये सिर्फ DHA नहीं, ये सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत नहीं, ये सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत नहीं, ये झोंपड़ियों में हम जाएंगे, हम नालों पे जाएंगे, हम खेतों में जाएंगे, हम देहातों में जाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर दुआओं का अंबार होगा, फिर हमारे पीछे हाथ उठेंगे, हमारे लिए सजदा रेज लोग दुआएं करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी 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 हमारे कदम चूमेगी। एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद एक नेक्स्ट सरप्राइज, स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए DNN, अपना मेजबान यकूब जावेद कमाने के लिए दुआओं का अंबार लगा दी। वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स, बड़ा एंजॉय किया, बोर्ड टॉपिक को हमने बेहतरीन करके इस मुआशरे में एक नई खूबसूरत रूप फूंकने का जो बेड़ा उठाया है उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो गए और ये काफिला बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इस काफिले के खूबसूरत जो दूल्हा है वो हमारे साथ अभी मौजूद है, तशरीफ लाते हैं उसामा बिन वसीम। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम सलाम जी। उसामा साहब के बारे में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, उसामा साहब राज उगलेंगे, ये ख्वाब दिखाते हैं, ख्वाब गाही है, ड्रीमलैंड है, व्हाट्स दैट, ड्रीमर है क्या, ये तो आज छुपे रुस्तम निकले, हमने समझा कि सिर्फ ये पट साहब के साहबजादे हैं, ये कड़ाई और खदे और पापा खाने वाली टीम है, नो इधर तो कमाल बात है, तो आइए मिलते हैं उसामा से। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं उसामा, व्हाट्स दिस ड्रीमर, ये बताइए, और ये पढ़ी लिखी फैमिली, फौजी घराना और 7 फुट का कद, स्मार्ट बच्चे, और आपने आर्टिस्टिक और ये जो एडिक्ट बच्चे हैं इनके लिए इनकी जो ये सेटअप है, जो प्रोग्राम करते हैं, जो ग्लोबल वाले हैं, उनको कहा कि हमारा दिल हाजिर है, हमारा घर हाजिर है, हम फंसे रहा है, और आपने कोई लालच नहीं किया, DHA में तो कोई कुल्फी की रेडी लगाने नहीं देता, प्लीज कम आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू, नाइस ऑफ यू सर, एंड इट हैज बीन अ प्लेजर कि आप हमारे पास आए, और माशाल्लाह जिस तरह एक इवेंट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता आपने उसको जितना लाइवली कर दिया। थैंक यू, नाइस ऑफ यू, एंड यू आर द groom of program baak maal lo sir, kya baat hai aapki, thank you very much sir. Sir, Dreamers co-working is basically a co-working space jahan pe log apna office space ke taur pe use karte hain, aur mukhtalif log ek jagah ko use kar sakte hain apne, jo bechare nahi afford kar sakte, they can't hire, they can't go for per continental hilton abari duniya mein ja sakte, aap kyun jana chahte hain per continental, nahi main waise hi keh raha hu ki to keh raha hu hamara maqsad ye hai ki people do who can, the man who cannot afford to go there, exactly. आपने उनको फैसिलिटी के लिए फैसिलिटेट कर दिया DHA जैसे ग्लैमरस एरिया में, सर ऐसे ही, और इसको आप अपने ऑफिस के तौर पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अपने इवेंट्स करा सकते हैं, आप किसी होटल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और डॉक्टर साहब के साथ भी हम इसी नियत के साथ जुड़े कि एक हम अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर सकें कम्युनिटी की डेवलपमेंट के अंदर, फिर पिसाब आपने देखा है वो एक सर्विसमैन की माशाल्लाह में काम कर रहा है, फिर इसी तरह हम लोग और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बढ़ जुड़ते हैं और उनके लिए तो हम फ्री कर देते हैं, बाकी तो आपको पता है कमर्शियल एस्पेक्ट दूसरी तरफ हो जाता है, और यहाँ पे हम लोगों की बेहतरी के लिए उसके अंदर अपना पार्ट प्ले करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें आपने ये दिस इज ऑन दिस टेरिटरीज, दिस डोमेन इज ओन बाय योर फादर, एनी सर, दिस इज लाइक बाय ड्रीमर्स, ड्रीमर्स को, ओके ओके, तो क्या फैसिलिटीज है,
सिर्फ ऑफिस स्पेस के लिए हमारे पास लोग कितने भाई कितने का ऑफिस है और क्या होगा लोगों को जरा बताइए प्लीज जी बेसिकली गिव इट ऑन ब्रॉडर कैनवस टू लर्न द पीपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वी हैव ऑल ऑप्शंस अवेलेबल अगर आप को वर्किंग मॉडल में जाना चाहते हैं तो वी हैव को वर्किंग मॉडल जिसके अंदर आप शेयर करके लोग बैठ सकते हैं okay. एक दूसरे के साथ sort of, conference, meeting. Meeting okay. करना चाहें तो वी हैव डेडिकेटेड मीटिंग रूम्स फॉर दैट अगर आप इवेंट हॉल कराना चाहें तो इवेंट्स कराना चाहें तो वी हैव एन इवेंट हॉल इफ यू नीड अ प्राइवेट ऑफिस तो वी हैव प्राइवेट कैबिन्स एज़ वेल जहां पर अपनी टीम के साथ आप बैठ सकते okay. हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस ले सकते हैं तो हमारे पास हर तरह की टीम के लिए हर तरह की एक ऑप्शन मौजूद होती है उसामा साहब आपके पास किस टाइप के लोग आते हैं किस किस्म के लोग आके वो आपसे स्पेस जो है वो एंगेज करते हैं अभी तक ताकि लोगों को पता चल जाए कि आ जाते हैं जी कि हमने तो ढोल ढमका करना है हमने म्यूजिक बजाना है और साथ वाले आपको अलाउ नहीं करते जैसे यूरोप में तो नहीं कर सकते तो इधर आपके क्लिनिक है ऊपर आपके ये इस तरह के एक इवेंट हो रहा है नीचे आप म्यूजिशियन को ड्रमर्स को तो नहीं अलाउ करेंगे या नो प्रॉब्लम पैसा आंदा ध्यान दे सर इस तरह हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स बना दिए ओके जैसे हमारे पास टेक इंडस्ट्री जो आईटी इंडस्ट्री है उधर से भी लोग हैं एनजीओ जो रखते हैं उधर से भी लोग हैं कुछ लोग अपना वैसे अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं वो भी हैं अगर कोई किसी का म्यूजिक का शौक है तो हमने म्यूजिक एरियाज डेडिकेट कर दिए जहां पे okay. आप काम कर सकते हैं तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ फिर काम करते रहते हैं फिर यहाँ पे हमारी बेकिंग की क्लासेस होती हैं खवातीन आके बेकिंग सीख सकती हैं प्रोफेशनली अपना काम कर अच्छा सकती तो इस तरह के टेक से रिलेटेड हम ट्रेनिंग करा रहे होते हैं इंक्लूड्स कुकिंग जी जी बेकिंग एंड कुकिंग ऑल कुलिनरी आर्ट्स जितने आप सीखना चाहें यहाँ पे हम सिखाते हैं ट्रेन शेफ्स के थ्रू फिर यहाँ पे हम चाइनीज लैंग्वेज की क्लासेस कराते हैं और हमने इसके लिए चाइनीज रखे हैं जो चाइनीज नेशनल है बॉर्न चाइनीज है उसमें उसामा साहब पैकेज है टाइमिंग्स है इतने आवर्स चार घंटे दो घंटे एक घंटा एक घंटे के $10 $20 4,000 रुपया ये भी लोगों को बता दें ताकि ये लोगों को पता चले कि भाई इतने इतने स्पेंडेड एरिया में ये बड़ा इकोनॉमी वाला प्रोग्राम है तो आइए यहाँ आइए बजाय इसके कि आप रुल जाएं और पता चले कि जी इतना बजट नहीं है जितना आपको उन्होंने बिल बना दिया बिल्कुल ऐसे ही सर हम इसी तरह कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिकल रखें अच्छा। हमारी वेबसाइट और हमारे फेसबुक पेज से क्योंकि मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं इसके हर चीज सब्जेक्ट की अलग फीस होगी लेकिन देखा जा सकता है बहुत इकोनॉमिकल चीज है डज दिस हॉल इंक्लूड्स दैट यहां पे कुछ ट्रेनिंग्स यहां पे नीचे नीचे एरिया कितना है आपके पास सर ये प्लाजा है हमारे पास तो इट्स लाइक एन 8 महल का प्लाजा ओके ओके एंड ये जो आप कह रहे हैं दिस इज ऑन ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे भी होता है सेकंड फ्लोर पे भी केबिन है या वैसे टोटल हॉल है केबिन्स भी हैं हॉल भी है तो मुख्तलिफ एरिया डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस साइज हम उसको मार्केट करते हैं और उसका सीजन वाइज गर्मी सर्दी उसमें एवरीथिंग इज केटर्ड जी जी आप देख रहे हैं हर हॉल में हमारे पास एसीज हैं मीटर्स होते हैं तो हम मैनेज कर रहे हैं व्हाट अबाउट इन दीस डेज गैस देयर इज नो गैस देयर इज नो बिजली देयर इज नथिंग मैंने अभी ट्वीट किया है कि कोई खौफे खुदा करो कोई शर्म है कि कोई वजीर नु सजा दो जेल इज करो जनाब कप्तान साहब पारवे के कप्तान साहब मेहरबानी करो देयर इज नो गैस देयर इज नो नथिंग हमारे यहां तो ऐसा नहीं नहीं सर डीएचए आपको पता है इज द प्राइम लोकेशन ऑफ लाहौर तो यहां देयर इज नो गैस व्हाई डीएचए के माल कौन भी फिर रहे हैं सारे हमने सर गैस लगवाई नहीं सर यहां सिर्फ बिजली पे चल रही ओके इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो बेसिक नीड्स है जो उसामा साहब बड़ा जुल्म है आप कह रहे हैं डीएचए इज प्राइम प्लेस अनफॉर्चुनेटली आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम मॉडल टाउन टू डीएचए और गैस नो गैस मैं मॉडल टाउन बैन के घर गया मैंने इसको ट्वीट कर दिया है परफॉर्म कर दिया है कि बैन के घर गया पता चला वो सारा दिन अंधेरे में बैठी बिजली नहीं है गैस नहीं है एंड व्यूअर्स मैंने ये प्रोग्राम कर दिया है कि कमाल इन्वेंशन मेरी बहन की मुलाजमा ने की गीजर के नीचे लकड़ियां जलाई हुई थी उसकी फोटो मैंने कहा आप क्या करें तो हम कहा 70 साल बैक पे चले गए तो ये फैसिलिटी आपके यहाँ तो माशाल्लाह पाकिस्तानी हर प्रॉब्लम हल तो निकाल लेते हैं क्या करें आप किधर जाए मुझे बताएं ओके गॉड ब्लेस यू और कीप इट अप माशाल्लाह ये फैसिलिटीज दीजिए और अपना ख्याल रखिए इर्द-गिर्द का ख्याल रखिए परवरदिगार आपके मिशन में बरकत दे और आपके वालदैन आपके सारे बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं और ये सलामत रहे इर्द-गिर्द सलामत रहे मोहल्ले सलामत रहे गलियां सलामत रहे और आपकी नीयत सलामत रहे द ग्रेट व्यूअर्स यंग जेंटलमैन इन ए प्रीटी ड्रेस माय फेवरेट कलर ऑफ दिस कुर्ता इज वेयरिंग और खूबसूरत गुफ्तगू की बात मुतमा से मिले व्हाट्सएप से मिले
क्या दोस्तों को इकट्ठा किया है, मुस्कुराते हुए चेहरे, केक खिलाया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है, और मिशन क्या है, ऑटिस्टिक बच्चे जो है उनका ख्याल रखा जाए, एडिक्ट बच्चों का ख्याल रखा जाए। तो खुदा के लिए इस हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा, हुक्मरानों से गुजारिश करूंगा, एजेंसियों से गुजारिश करूंगा, इन लोगों का ख्याल रखे, इनका साथ दें, और आइए मिलके बनाएं पाकिस्तान।